एक दिन कॉलेज के प्रोफेसर क्लास में इंटर होते हैं और क्लास में इंटर होते ही उन्होंने तमाम स्टूडेंट्स को सरप्राइज टेस्ट के लिए प्रिपेयर होने का कहा। तमाम स्टूडेंट्स टेस्ट के लिए अरेंज हो जाते हैं और अपनी अपनी सीट पर टेस्ट स्टार्ट होने का वेट करते हैं। जब प्रोफेसर पेपर उन्हें हैंड ओवर करते हैं तो तमाम स्टूडेंट्स पेपर को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि इस पेपर के ऊपर एक ब्लैक डॉट के अलावा कोई भी क्वेश्चन मौजूद नहीं था। प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स के एक्सप्रेशंस को देखकर कहा, मैं चाहता हूं कि आप जो इस पेपर के ऊपर देख रहे हैं उसे लिखें। प्रोफेसर की इस बात को सुनकर तमाम स्टूडेंट्स कंफ्यूज नजर आते हैं, लेकिन वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। जब टेस्ट का टाइम खत्म होता है तो प्रोफेसर तमाम स्टूडेंट्स से पेपर कलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद प्रोफेसर तमाम स्टूडेंट्स के पेपर ऊंची आवाज में पढ़ते हैं। तमाम पेपर पढ़ने के बाद पता चलता है कि तमाम स्टूडेंट्स ने इस ब्लैक डॉट को डिफाइन किया होता है, इसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की होती है, क्योंकि वो ब्लैक डॉट टेस्ट के सेंटर में मौजूद है। प्रोफेसर साहिब ने तमाम स्टूडेंट्स से कहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग इस बारे में जरूर सोचें। आप सब लोगों ने इस ब्लैक डॉट को फेस किया है जो कि व्हाइट पोजीशन से कहीं कम था। बिल्कुल उसी तरह हमारी जिंदगी में होता है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप लोग इस बारे में जरूर सोचें। हम उन चीजों पर फोकस करते हैं जो कि हमें नजर आती हैं। हम हेल्थ इश्यू पर फोकस करते हैं, दोस्त की नाराजगी के ऊपर फोकस करते हैं। हम उन ब्लेसिंग्स के ऊपर फोकस नहीं करते। हम उन ब्लेसिंग्स को अकाउंट नहीं करते जो हमारी जिंदगी को मजीद खूबसूरत बनाती हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप इंस्टेंटली देख सकें।